दोस्तों, मैंने आप लोगों से एक वीडियो में पूछा था कि आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों का कमेंट आया कि भारत और चीन के हथियारों का कंपैरिजन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के मिसाइलों का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत के मिसाइलों से। पृथ्वी मिसाइल। दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल DRDO द्वारा निर्मित एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका उपयोग भारत की तीनों सेना करती है। दोस्तों, DRDO ने भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इस मिसाइल के अलग अलग तीन वर्जन बनाए हैं। पृथ्वी 1, ये खास तौर पर भारतीय थल सेना के लिए बनाया गया है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1000 किलो तक के बारूद ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को जमीन से दागा जाता है। पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 को खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है और इसमें 500 किलो तक के पेलोड भरा जा सकता है। इसे लड़ाकू विमान से और जमीन से भी दागा जा सकता है। पृथ्वी 3। पृथ्वी 3 को खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। पृथ्वी 3 की मारक क्षमता 350 से 600 किलोमीटर तक होती है। अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक होती है और अग्नि 1 में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। 2004 से ही अग्नि 1 भारतीय सेना के पास है। इसका वजन 12,000 किलोग्राम है और ये 1,000 किलोग्राम के वॉरेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, मैप में देखते हैं अग्नि 1 की रेंज कितनी है। दोस्तों, अग्नि 1 ने लगभग पूरा पाकिस्तान और चीन का एक तिहाई इलाका अपने रेंज में ले रखा है। अग्नि 2 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु क्षमता वाले इस मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है और इसका वजन 16,000 किलोग्राम। अग्नि 2 अपने साथ 1000 किलो तक के परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3। दोस्तों, अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। जुलाई 2006 में भारत ने अग्नि 3 का पहला सफल परीक्षण किया था। उसके बाद अग्नि 3 को भारतीय सेनाओं को सौंप दिया गया। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है और इसका वजन 22,000 किलो है। यह मिसाइल अपने साथ 2000 किलो तक के परमाणु वॉरहेड को ले जाने की क्षमता रखता है। अग्नि 4। दोस्तों, ये मिसाइल भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 4000 किलोमीटर वाले इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आ जाता है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण 2011 में किया गया था। उसके बाद अग्नि 4 को सेनाओं को सौंप दिया गया। अग्नि 4 अपने साथ 1000 किलो तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5। दोस्तों, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था, जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया था। अग्नि 5 की रेंज में पूरा चीन आ जाता है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, पर चीन दावा करता है कि अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर है और अग्नि 5 एक MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल है। इसी बात को लेकर जिनपिंग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत का विरोध कर चुका है। अग्नि 5 का वजन 50,000 किलोग्राम है और ये अपने साथ 1,500 किलो तक के परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, मिसाइल मैप में देखते हैं कि अग्नि 5 की रेंज कहां तक है। दोस्तों, अग्नि 5 चीन से लेकर यूरोप तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 6। दोस्तों, 2013 में DRDO चीफ VK सारस्वत जी ने ये बात कंफर्म करी थी कि भारत MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल अग्नि 6 को बना रहा है। दोस्तों, अग्नि 6 4 स्टेज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 की रेंज 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है और अग्नि 6 अपने साथ 3 टन यानी 3,000 किलो तक के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अग्नि 6 का वजन 50,000 किलोग्राम है और अग्नि 6 अपने साथ 10 परमाणु MIRV वॉरहेड ले जा सकता है। दोस्तों, अग्नि 6 युद्ध में चीन को मौत का मंजर दिखा सकता है। सूर्य मिसाइल। दोस्तों, सूर्य मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, DRDO ने 1994 में सीक्रेटली सूर्य मिसाइल पर काम शुरू कर दिया था और 2010 तक पूरे भारत में किसी को भी इस मिसाइल के बारे में नहीं पता था। सूर्य मिसाइल IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था। 2008 में DRDO ने ये अनाउंस किया था कि IGMDP में जितने भी मिसाइल प्रोजेक्ट थे, लगभग उन सभी मिसाइलों को बना लिया गया है। दोस्तों, सूर्य मिसाइल की रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर बताई जाती है। ये 3 स्टेज का सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का रॉकेट है। शुरुआत के 2 स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और 3rd स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, सूर्य मिसाइल अपने साथ 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जा सकता है। इसका वजन 55,000 किलोग्राम है। इस मिसाइल को मॉडिफाई करने के बाद इसे समुद्र और सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अब मिसाइल मैप में देखते हैं कि सूर्य मिसाइल की रेंज क्या है। दोस्तों, ये मिसाइल चीन, रूस, अलास्का और अमेरिका के कुछ हिस्सों को टारगेट कर सकता है। निर्भय मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल का उपयोग भारत के तीनों सेना, थल, वायु और जल सेना करती है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है और ये मिसाइल जरूरत पड़ने पर अपने साथ 200 से 300 किलो तक के परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया। ब्रह्मोस में 300 किलो तक के वॉरहेड भरा जा सकता है। इसका उपयोग भारत की तीनों सेना करती है और ब्रह्मोस मिसाइल की गति 2.5 से 2.8 मैक है यानी 3,457 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल है। दोस्तों, चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल का भी तोड़ नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन की
मिसाइल के बारे में। दोस्तों हम चीन के बेस्ट मिसाइलों के बारे में बात करेंगे। डोंगफेंग 5। डोंगफेंग 5 मिसाइल को चीन ने 1981 में सेना में शामिल किया था। डोंगफेंग 5 की मारक क्षमता 1200 से 1500 किलोमीटर तक है और इसका वजन 18,000 किलो से अधिक है। दोस्तों ये मिसाइल MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल है। यह अपने साथ 10 परमाणु MIRV वॉरेट ले जा सकता है। डोंगफेंग 31। दोस्तों ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 8,000 से 11,000 किलोमीटर है। डोंगफेंग 31 का वजन 42,000 किलो है। डोंगफेंग 41। दोस्तों ये मिसाइल चीन की सेना में शामिल होने वाला आखिरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 14 से 15,000 किलोमीटर तक है और इसका वजन 80,000 किलो है। डोंगफेंग 41 भी MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल है। यह अपने साथ 10 से 12 परमाणु वॉरेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों अब बात करते हैं चीन के क्रूज मिसाइलों की। CJ-10 और DS-10। इसे थल और वायुसेना द्वारा दुश्मन पर दागा जाता है और ये क्रूज मिसाइल अपने साथ 500 किलो तक के परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों आपको भारत और चीन में से किसकी मिसाइल और कौन सी मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।